और चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। और इन्फॉर्मेशन जो है वो हम देने जा रहे हैं, ये है मेरे पास बंद गोभी, ठीक है जी, जिसको हम कैबेज भी कहते हैं। दुनिया में बंद गोभी जो है तीन चार कलर्स में बंद गोभी जो है वो पैदा होती है। एक तो नॉर्मल ये वाला कलर है, एक थोड़ा इससे डार्क कलर में होती है, ग्रीन कलर के अंदर होती है, और एक पर्पल कलर में होती है, ठीक है जी। तो तीन जो पर्पल वाली बंद गोभी है और ये वाली बंद गोभी जो है ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में आसानी से मिल जाती है, और दोनों के फ़ायदे जो है ना वो तकरीबन बराबर ही है, और इसको आप बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ जो है वो है डाइट। जब आप डाइट प्लान करते हैं, यानी कि आप अपने खाने को चेंज करना चाहते हैं और आप डाइट करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, उसमें ये बंद गोभी कैबेज डाइट के नाम से एक, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको एक पूरा प्लान मिलेगा कैबेज डाइट के नाम से, जो पूरा खाना सिर्फ बंद गोभी के ऊपर ही है। उसमें उसी का सालन है, उसी की जो है चीज़ें बना बना कर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि एक तरह का खाना इंसान खाता है तो बोर हो जाता है, ठीक है, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की रेसिपीज़ भी मिलेंगी, और कैबेज डाइट के अंदर आप अपना वज़न बहुत ही तेज़ी के साथ कम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कैबेज से आपकी जो जिस्म में वीकनेस होती है ना वो आपको नहीं होगी, ठीक है जी। और इसका तरीकाकार ये है कि इसके सूप बना लें, इसके अंदर बेतहाशा विटामिन भी होती हैं, मिनरल्स भी होते हैं, जो आपके जिस्म में पानी की कमी को भी नहीं पूरा यानी कि पूरा कर देते हैं, और भी बहुत सारे मसले मसाइल का हल आपको मिल जाता है। सूप के अंदर सबसे बेस्ट जो चीज़ जाती है वो सूप के अंदर, ये जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसको खाने का तरीकाकार ये है कि इसको बहुत ज़्यादा पका कर ना खाएं, यानी कि ये हमेशा किसी भी रेसिपी में आप डाल रहे हो तो कच्चा पक्का होना चाहिए, थोड़ा सा क्रिस्पी सी होनी चाहिए। जैसे कि आप स्टर फ्राइड बना रहे हैं कोई चीज़, आपने थोड़ी सी चिकन ले ली, उसके अंदर खूब सारा बंद गोभी डाला, थोड़ा दो तीन सॉस डाले, मिक्स किया और उसे आपने तैयार कर लिया, और ये सारी टाइमिंग जो है ना चिकन पकने से लेकर बंद गोभी बनने से लेकर उसके अंदर नूडल्स वगैरह डालना चाहते हैं तो सारा कुछ मिलाकर 5 मिनट के अंदर तेज़ आँच पर अगर आप बनाएंगे सॉस वगैरह डालकर, तो ये बेहतरीन खाना होता है जो आपके डाइट में काम आता है, आपके वज़न को कम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आज से ही अपने खाने में अगर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, मैंने बहुत दफ़ा आपसे कहा है कि खाने में चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे वज़न कम करने के लिए 70% जो है वो हमारे खुराक का अमल दखल होता है, 30% जो है एक्सरसाइज, बाकी चीज़ें होती हैं। अद्वियात वगैरह भी जो इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको मैं आज ये क्लियर कर दूं कि 70% आपके डाइट यानी कि आपका जो खाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वज़न, आप अगर वैसे ही खाना खाते रहेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, दवाइयाँ भी खा रहे होंगे, सब कुछ कर लेंगे आप, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका वज़न कम हो जाए। और अक्सर लोगों ने ट्राई भी किया होगा और बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी मुझे आती हैं कि यार वज़न कम नहीं हो रहा, इसलिए कि मैंने आपसे अभी फिर कह रहा हूँ कि आपने डाइट को अगर चेंज नहीं किया, आपने खाने पीने के अंदर उसके अंदर जो है ना चेंजेस लेकर नहीं आया आप, तो 70% यानी कि 70% आपका जो दारोमदार है आपके वज़न को कम करने में और आपके डाइट को सही करने में, वो है आपके खाना जो है वो, उसके अंदर आप चेंजेस क्या लेकर आ सकते हैं। तो आज मैंने बंद गोभी को सिलेक्ट इसलिए किया है कि ये पूरी दुनिया में इस वक्त जो कैबेज है यानी कि बंद गोभी है, इसका नाम ही रख दिया गया है कैबेज डाइट, यानी कि बंद गोभी से डाइट करना, अपने वज़न को कम करना। तो ये आप इंटरनेट पे भी जाकर इसको सर्च कर सकते हैं कि कैबेज से आप किस किस तरह से आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। ये इंसान के मैदे में जाकर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये करता है कि मैदे को फुलफिल कर देता है, यानी कि आपके मैदे को भर देता है, तो आपको भूख कम लगती है। अगर आप 1 से 2 टाइम इसको अगर इस्तेमाल करते हैं, पकाकर इस्तेमाल करें, कच्चा इस्तेमाल करें, यानी कि आप जिस तरह से भी चाहें सैलेड के तौर पर इस्तेमाल कर लें, तो ये आपके मैदे में जाकर आपके मैदे को भर देता है, जिसकी वजह से आपकी भूख जो है, सबसे मेन चीज़ जो है भूख, उसको रोकना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं दुनिया के अंदर जो आपकी भूख को कम करती हैं, वरना आपकी भूख भले आप कुछ भी खा लें लेकिन आपकी जो भूख रोटी और चावल की है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बंद गोभी ख़ास तौर पर आती है, जो आपके भूख को फौरन आप जब ये इसको खाते हैं तो आपका मैदा जो है ना वो फुल होने शुरू हो जाता है, आपका भर जाता है मैदा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद आपके जो है ना भूख लगे या जो भी है, तो आप सिर्फ सादा बंद गोभी की तरफ नहीं बल्कि आप बंद गोभी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। सब्ज़ियाँ हैं जैसे कि
अच्छा, ऐसी सब्ज़ियाँ ऐड करें जो फ़ायदेमंद हैं, जो आपके खाने को हज़म कर रही हों, जो आपके निज़ाम हाजमा जिसको कहते हैं हम, उसको दुरुस्त कर रही हों, जिसमें फलियाँ हैं, ग्रीन कलर की फलियाँ आती हैं, वो आपने ऐड कर दिया इसके अंदर। गाजर आजकल मौसम के अंदर आया हुआ है, वो आपने ऐड कर दिया, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपका खाना भी सही रहेगा, ठीक है।